मुमरा कौसा में पिछले 7 सालों से नीट जेई में पहला नंबर हासिल करते आ रहा है शहजाद सर का आईआईटियंस लर्न्स। आईआईटियंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सालेहा, हसीबा और काशिप ने 2022 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हासिल किया है। आईआईटियंस लर्न्स मुमरा की इकलौती ऐसी क्लासेस है जहां से स्टूडेंट का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, जबकि 14 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। आईआईटियंस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पैनल का यूज किया जाता है। अब तक आईआईटियंस के 20 स्टूडेंट्स ने नीट में 500 प्लस स्कोर किया है। नीट जेई एग्जाम में सफलता पाने के लिए आईआईटियंस लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बुर्का पहन महिलाओं ने खरीदी बियर, मुस्लिम युवकों ने वीडियो बनाकर दी सर कलम करने की धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया युवकों को गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दो महिलाएं आपको एक के बाद एक इसमें नजर आएगी। बुर्खा पहनी हुई है, मास्क लगाई हुई है और इनसे बात करने वाले युवक इन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारा मैं पीछा कर रहा हूं, तुम उस बाजार से मुजफ्फरनगर के नॉवेल्टी चौक पर एक शराब की दुकान है जहां से इन महिलाओं ने बियर खरीदी थी और इन युवकों ने उसका भी वीडियो बनाया और बकरा मार्केट के पास आकर के इन्हें रोका और रोक करके ये पूरी बातचीत हुई है जिसका ये वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और इन तीनों युवकों पर कार्रवाई की है। समाचार टुडे चैनल के सौजन्य से हम इन तीनों युवकों की गिरफ्तारी और माफी की भी वीडियो इसके साथ आपको दिखा रहे हैं। नहीं, क्या बात है, बात बताओ मुझे, कुछ बात तो पता चले, मतलब क्या मजबूरी है? तो मतलब तुम शराब खरीदोगी का दुकान पे मार्केट के अंदर? और है नहीं बैग में से? है बियर ही है ये? तुम्हें मतलब सही नजर आ रही बियर है? नहीं, बात ऐसा है, नहीं फरीदा करने से नहीं, मैं सब जानू, ठीक है? नहीं पहरा नहीं लगा रहा मैं, हमारी यहाँ से कट रही है मुसलमान की अम्मी, दोनों को भिड़ा के मार दूंगा एक मिनट में, चाहे जेल जाना पड़ जाएगी मुझे, समझ गई? 5 साल की है मेरे, अगर पता होती है गर्दन तीन तार लूंगा, बताओ जेल जान लिया इसी मामलों में। दोनों यार बियर पट्टी से दारू खरीद रही हूँ मार्केट में, मुसलमान में मेरे सामने भी इज्जती हो रही है, वहाँ हिंदुओं के सामने यार, वहाँ खड़ी रहे बुरखे के सामने दारू इनके, उसमें वीडियो बना रखी इनकी तीन आदमियों ने। कहाँ क्यों आप? कहाँ क्यों आप? अर्थी भाई, वहाँ शर्म हमारी बहन मार्केट में जी नाराम हो गया हमारा, बियर खरीद रही वहाँ से दारू खरीद रही यार, खड़ी इससे खरीदवा रही बच्चे से, देखिए वीडियो बनी हुई मेरे पास, सारी सारी वीडियो है इसकी, सारे पीछे लगे हुए हम सारे यहाँ। क्यों नहीं मतलब है? हम मुसलमान नहीं है, तुम मुसलमान नहीं हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? हिंदू हो गया तुम? तुम हिंदू हो गया? मुसलमान हो? शराब क्यों रखी रखी? हराम नहीं हमारे मुसलमान? वहाँ पंजाबियों में सरदारों में बदनाम करवा रही है हमें, पूरी मार्केट देख रही है वहाँ शराब ले रही, देख रही हूँ कोई बात नहीं, गर्दन तार लूंगा इस बात पे, चाहे जेल चला जाऊं, समझ गई? पहले घर वालों को बुलाओ, भाई सर दो चार को बुलवा के इसके जिम्मेदारों को बुलवा लो, करियो इस तरह की मामला हमारे वहाँ पे, हम तुमसे कह रहे हैं नहीं आने का, हमारे तो गलती हो गई बस, ऐठ है ना बिल्कुल भी नहीं आनी कहीं किसी भी ठेके पे, किसी भी ठेके पे बता रहा मैं, तो बहन से बदनाम हो रहे हैं। हमसे एक महिला की वीडियो बन गई जिसकी वजह से हम क्षमा चाहते हैं, कानून सबके एक समान है, सबके लिए एक समान है कानून, सब कानून से भी क्षमा चाहते हैं, ये मेरा भाई आदिल है, ये भी क्षमा चाहता है, मैं महिला की माफी मांगता हूँ, महिला से भी, और कानून सबके लिए बराबर है और भविष्य में कोई गलती नहीं होगी हमारा भी, हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं इस बात, हमारे से गलती हो गई, हमें महिलाओं की जिंदगी बनानी चाहिए थी, हमने महिलाओं से माफी मांग ली साहब, हमारे से गलती होगी, कानून सबके लिए एक है, हमें माफी चाहिए, हमने माफी मांग ली है महिलाओं से।